महादेवा नमः। सुबह के 6 बज चुके हैं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। मैं राधिका नंदन इस चैनल पर आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि की दूसरी संधि स्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। स्लाइड में स्टुत्व संधि आपके सामने है। जिस प्रकार हम लोगों ने स्टुत्व संधि को पढ़ा ठीक उसी तरह स्टुत्व संधि भी है सेम टू सेम। बस अंतर इतना है वहाँ तालव्य सकार और च वर्ग था, यहाँ पर मूर्धन्य सकार और टा वर्ग है। उस पहले वाले सूत्र से स्तोह की अनुवृत्ति हम ले लेते हैं। किसकी अनुवृत्ति लेते हैं? सॉरी, पहले सूत्र समझे फिर उसके बाद अनुवृत्ति किसकी आएगी उसकी बात करेंगे। तो स्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनाष्टु या अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के 4थे पाद का 41वां सूत्र है। इसका सूत्र है इष्टुना का योग होने पर इष्टु हो जाए, अर्थात मूर्धन्य सकार और टावर्ग का योग हो तो मूर्धन्य सकार और टावर्ग हो जाए। अब यहाँ इस सूत्र में इष्टो की अनुवृत्ति आएगी। किसकी? इष्टो की। ये देखिए, इसकी इसके पहले सूत्र से इष्टो इष्टो इसकी अनुवृत्ति आएगी इस चित्त से। अब सूत्र बनेगा पूरा सूत्र इष्टोह इष्टुना इष्टुनाह इष्टुह। अब इसका अर्थ है कि दंत सकार या तावर्ग का जब मूर्धन्य सकार और टावर्ग से योग हो तो दंत सकार मूर्धन्य सकार और तावर्ग टावर्ग में चेंज हो जाए। इस देखो इसको इन्होंने इस तरह कहा है कि इष्टु इष्टोह दंत सकार और तावर्ग के स्थान पर इष्टु मूर्धन्य सकार और टावर्ग होता है इष्टु से योग होने पर, अर्थात मूर्धन्य सकार और टावर्ग से योग होने पर। अब देखिए फिर समझें, वह इष्टो इष्टुत्व संधि से आ रहा है। इष्टु इष्टु का अर्थ है सकार या तावर्ग तथा दधाना, तो इसको क्रम से यही चेंज होगा इष्टु मूर्धन्य सकार और टावर्ग टाठा डाढ़ाना। देखिए क्रम से चेंज होगा, दंत सकार मूर्धन्य सकार में जाएगा ता ठा टा में था ठा में दा डा में धा ढा में और ना अणा में चेंज होगा। और इस पर समझते हैं, अर्थात सकार या तवर के पहले या बाद में। देखिए ये कहते हैं सकार या तावर के पहले या बाद में मूर्धन्य सकार या टावर्ग टाठा डाढ़ा आणा का योग होने पर दंत सकार मूर्धन्य सकार टावर को टावर्ग हो जाता है। कुल मिला के कहने का अभिप्राय इनका इतना ही है कि दंत सकार मूर्धन्य सकार में चेंज हो जाएगा और तकार वर्ग तावर्ग टावर्ग में चेंज हो जाएगा, चाहे टावर मूर्धन्य सकार और टावर्ग बाद में हो या पहले हो, अर्थात दंत सकार और तावर्ग से इनका योग होना चाहिए। इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से और स्पष्ट समझते हैं। ये स्लाइड है, देख लें। यहाँ पे हम आपको तीन चीजें दिख रही होंगी। नंबर एक स्थानी, दूसरा आदेश और तीसरा योग। स्थानी इनका योग यदि इनसे हो रहा है तो आदेश रूप में ये प्राप्त होंगे क्रम से। इतना समझे, स्थानी का योग स्थानी का यदि मूर्धन्य सकार या टावर्ग से योग हो तो क्रम से यही प्राप्त होंगे, अर्थात इनका आदेश इस तरह होगा दंत सकार का मूर्धन्य सकार ता का टा में था का ठा में दा का डा में धा का ढा में और ना का आणा में, इस तरह चेंज होगा। अब ये चाहे पहले आए चाहे बाद में, अर्थात ये जो है ये चाहे पहले योग हो इनका चाहे बाद में हो, लेकिन ये जो है इनका स्थानी का चेंज अर्थात स्थानी का आदेश इतने रूप में ही होगा। और इसको हम लोग समझते हैं डिटेल से उदाहरण के माध्यम से। देखिए इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको भी समझ लीजिए।
ये कहते हैं सकार या तवर्ग के पहले या पहले या सकार या तवर्ग के बाद में मूर्धन्य सकार या टावर्ग होने पर दंत सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार, त के स्थान पर टा, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर डा और धा के स्थान पर ढा, न के स्थान पर आणा होता है। कहने का अभिप्राय इनका यह है कि दंत सकार और तावर्ग का योग मूर्धन सकार और टावर्ग से होना चाहिए, चाहे पहले योग हो और चाहे बाद में योग हो, लेकिन परिवर्तन दंत सकार मूर्धन सकार में, दंत सकार मूर्धन सकार में और टा ताव ता ठा में, था ठा में, दा डा में, धा ढा में, ना आणा में ही होता है। अब इसी को उदाहरण के माध्यम से और इस पर समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है, देखिए पहला उदाहरण हमारे सामने है तत्प्लस टीका। यहाँ देखिए तकार का योग टकार से हो रहा है अर्थात तावर का योग टावर्ग से हो रहा है, तावर्ग का योग ठावर्ग से हो रहा है, तो तावर्ग चेंज होगा किस में, टा में। देखिए ये चेंज होगा क्या बना, सॉरी ये टा बना और ता के स्थान पर ठा हुआ, टा हुआ और टट्टी का बन गया, क्या बन गया, टट्टी का था, तो उसकी व्याख्या। उसी तरह रामस प्लस षष्ठा, यहाँ भी दंत सकार का मूर्धन सकार से योग हो रहा था, इससे दंत सकार के स्थान पर मूर्धन सकार होकर रामस षष्ठा बना, क्या बना, रामस षष्ठा, छठा राम। आगे वो अब तीसरा उदाहरण देख लें, तीसरा उदाहरण भी उसी तरह है कि उद प्लस डैनम, देखिए उद प्लस डैनम, यहाँ दा जो टावर का है और डा जो टावर का योग हो रहा है, तो दा टावर्ग में चेंज होगा, चूंकि तीसरे नंबर का दा भी है तो डा तीसरे नंबर के चेंज होकर दा को स्थान पर डा चेंज होकर उड्डयनम बना, क्या बना, उड्डयनम। उसी तरह क्रिस प्लस ना। अब देखिए यहाँ पर मूर्धन्य सकार और टावर के पहले आ गया है और दंत सकार और तावर का बाद में योग है, तब भी दंत सकार और तावर्ग ही चेंज होगा और चूंकि ना तावर्ग में है इसलिए ना आणा में चेंज हो गया, आणा में चेंज होकर बना क्या, किसड़ा, क्या बना, किसड़ा शब्द, किसड़ा किसड़ा, किसना नहीं होता, किसड़ा शब्द शुद्ध होता है क्योंकि ना आणा में चेंज हो जाएगा, इसका इष्टुत्व संधि से। आइए अगला पांचवा उदाहरण देख लें, देखिए पांचवा भी उसी तरह है, दुष प्लस ता, यहाँ भी देखिए तावर्ग का बाद में आया है अर्थात योग होना चाहिए तावर्ग का मूर्धन सकार या टावर्ग से, चाहे बाद में चाहे पहले, यहाँ भी देखिए तावर्ग बाद में आया है और प्रारंभ में दुष का मूर्धन सकार है, इसलिए तावर्ग टावर्ग में चेंज होकर ता जो है टावर्ग में चेंज होकर टा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टा, और बनेगा दुष्टा। उसी तरह चक्र प्लस ढौक से, यहाँ देखिए यहाँ भी यहाँ पर प्रारंभ में तावर का नकार है और बाद में टावर का ढकार है, तो दोनों का संधि होगा इष्टनाष्टु से और ना अड़ा में चेंज होकर चक्र ढौक से बन जाएगा, चक्र ढौक से। आइए अगला उदाहरण, अगला उदाहरण देखिए, बिस प्लस नू, यहाँ आप देखिए मूर्धन्य सकार का तकार वर्ग के ना से योग हो रहा है, इसलिए ना चेंज होगा किसमें, टावर्ग में, और चूंकि पांचवा अक्षर ना है इसलिए टा का पांचवा अक्षर ना है, ना रणा में चेंज होकर रू बनेगा विष्णु, क्या बनेगा, विष्णु। उसी तरह अगला उदाहरण भी देख लें, पेश प्लस ता है, क्या है, पेश प्लस ता, यहाँ भी देखिए मूर्धन्य सकार का तावर्ग से योग हो रहा है, इसलिए त
ता वर्ग टा वर्ग में चेंज होगा, ता टा में चेंज होकर पेस्टा बनेगा, क्या बनेगा पेस्टा। तो हम लोगों ने इश्चुत संधि पढ़ा, इश्चुत इश्चुत का सूत्र है इस्तो इष्टुना इस्तो इष्टुनाश्चु, इष्टुत्व का है इष्टुनाश्चु। कुल मिला के यहाँ पर दंत सकार और तावर्ग ही चेंज हो रहा है इसमें, मूर्धन्य सकार और तावर्ग में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि प्रतिदिन सुबह हम लोग एक छोटे से सूत्र के साथ, एक छोटे से टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो शीघ्र ही हम लोग कल सुबह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए महादेवाय नमः।